झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होने वाला है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने अपने कक्ष में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें एनडीए के विधायक शामिल नहीं हुए, यानी भाजपा और आजसू के कोई भी विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए। अन्य पार्टियों के जो विधायक थे वे इसमें निश्चित रूप से शामिल हुए। यह तय हुआ कि बजट सत्र में अधिक से अधिक जनता की समस्याओं का निदान किया जाएगा। प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान जनता के प्रश्न का जवाब सरकार की ओर से दिया जाएगा। विधायकों से अच्छे व्यवहार की भी अपेक्षा की गई है और सदन का समय बेहतर तरीके से उपयोग करने का भी विचार किया गया। देखिए, अभी झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों की बैठक हुई। जैसे कि आप सबको मालूम है, बजट सत्र प्रारंभ होना है। इसको लेकर अध्यक्ष जी ने हमें यहां बुलाया। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सत्र को बेहतर ढंग से चले, राज्य इस समस्याओं का समाधान हो। लेकिन आज की इस बैठक में मुझे तो जहां तक लगता है कि विपक्षों को भी बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं आए, ये उनका विषय है। और कुल मिलाकर के जो औपचारिकताएं हुए, जो बची कुची हैं, वो पूरा करने की दिशा में काम चल रहा है। हम सब तैयार हैं।